हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में चर्चा करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर। तो दोस्तों, साधारण ब्याज से संबंधित एक टाइप के प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्नों को केवल एक ही ट्रिक से हल करवाएंगे आज की क्लास में, ठीक है दोस्तों? तो ट्रिक को आपको समझना है एक बार, ठीक है? देखिए, ट्रिक है गुणी माइनस एक बटे दर या वर्ष इंटू 100, ठीक है दोस्तों? ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हम इस टाइप के सारे प्रश्नों को हल करेंगे केवल एक ही ट्रिक से। तो दोस्तों, इस ट्रिक को आपको केवल एक बार समझना है। तो देखिए, ट्रिक में क्या क्या बातें हैं। ट्रिक में है गुणी माइनस एक। गुणी का मतलब दोस्तों, प्रश्न में आपसे स्पष्ट कहा जाएगा कि कोई राशि इतने वर्ष में इतनी गुणी हो जाती है, तो गुनी की संख्या दी जाएगी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, इस प्रकार से। तो उस संख्या को लिखकर माइनस एक करना है। बटे दर या वर्ष, बटे दर या वर्ष, यदि आपसे दर पूछे वो, तो आपको बटे में केवल वर्ष लिखना है। यदि आपसे वो वर्ष पूछे, तो बटे में केवल आपको दर लिखना है और इंटू 100, बस आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ट्रिक से हम पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। दर वो पूछ रहा है हमसे दोस्तों। क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। तो बटे में हमें दर नहीं लेनी, क्या लेनी है? वर्ष। दर अपने आप ही निकल कर आ जाएगी। तो गुनी माइनस एक, गुनी कितनी है? 3 गुनी। 3 गुनी माइनस एक बटे वर्ष, क्योंकि दर तो वो पूछ ही रहा है, तो बटे में वर्ष ले लिया हमने, इंटू 100। तो आगे हल करते हैं दोस्तों, कि 3 माइनस 1, 2/20 इंटू 100, ठीक है? 20 × 100, 5 × 2 = 10। तो 10% दर इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों? कि कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, किस दर से? 10% की दर से, यही इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों? अब इसी ट्रिक से और प्रश्न हल करते हैं हम। देखिए, अगला प्रश्न है। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को भी हम उसी ट्रिक से हल करेंगे। ट्रिक कौन सी थी? गुणी माइनस एक बटे दर या वर्ष इंटू 100, ये ट्रिक है अपन की। तो दोस्तों, इसी ट्रिक से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में? वर्ष पूछ रहा हमसे, तो बटे में केवल हमको दर को लेना है। तो देखिए, गुणी कितनी गुणी? 2 गुनी। तो 2 - 1 बटे 10% की दर से, तो दर आ जाएगी कितनी? 10 × 100। अब अपने आप ही वर्ष निकल कर आ जाएंगे। तो देखिए, 2 - 1, 1/10 × 100, तो 10 × 2 = 100, 10 × 1 = 10, तो 10 वर्ष। क्या आंसर होगा हमारा? 10 वर्ष, ठीक है दोस्तों? बस चुटकियों में आंसर आ रहे हैं इससे, यही ट्रिक हमें काम में। दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। ये प्रश्न उन दोनों प्रश्नों से थोड़ा अलग है, ठीक है दोस्तों? तो इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना है आपको, किस प्रकार से हल करना है उसी ट्रिक से। देखिए, प्रश्न है, कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी? तो दो कंडीशन दी है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को बराबर करना है। देखिए, पहली कंडीशन है, कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो 2 × 1 = 1 बटे 5 वर्षों में इंटू 100, ठीक है दोस्तों? इंटू 100 बराबर। आगे चलते हैं, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी? यह राशि 6 गुनी यानी 6 - 1 कितने वर्षों में? कितने वर्षों में यानी एक्स इंटू 100। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स क्यों लिया? यहाँ पर वर्ष हमको दी गई है, वर्ष हमको दी गई, तो दर तो समान है, तो वर्ष दूसरी कंडीशन में वर्ष हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर वर्ष का मान हमने एक्स माना, एक्स का मान ही हमें चाहिए। तो देखिए, 100 से 100 कट गया, ठीक है? तो 2 - 1, 1/5 बराबर 5/x, तो x बराबर 50 = 25, तो 25 वर्ष इसका क्या होगा आंसर?
कि कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो वही राशि 25 वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक से हमने इस प्रकार का भी प्रश्न हल कर लिया। दोस्तों इसी ट्रिक से अगला प्रश्न और हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तो ये रहा अगला प्रश्न, उसी ट्रिक से हल करना है। दोस्तों देखिए प्रश्न है, कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो ये पहली कंडीशन है। कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी, यानी 3-1 बटे दर, दर दी हुई है तो 8 × 100 बराबर, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है, क्योंकि दर दी हुई है, दर ही पूछ रहा है। तो वर्ष तो समान है, उतने ही वर्ष, तो वर्ष तो हमको लेने नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए 5 गुनी हो जाएगी, तो 5-1 बटे एक्स, यानी दूसरी कंडीशन की दर वो पूछ रहा हमसे, गुणा 100। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम, 2/8 × 100 बराबर 4/x × 100। ठीक है दोस्तों, 100 से 100 खत्म, और 2 × 8 4 × 16 तो x बराबर 16%। x का मान क्या आ गया? 16% कि कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो वही राशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक्स करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड।